नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए, जहां उन्होंने इंदौर शहर स्वच्छता में चौथी बार नंबर वन आने पर शहरवासियों को बधाई भी दी। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता के साथ साथ इंदौर को स्वस्थ भी बनाना है। विजयवर्गीय बोले कि आने वाले कुछ दिनों में उनके द्वारा गरीब बस्तियों में मास्क सैनिटाइजर घर घर वितरित किए जाएंगे, जिससे कि कोरोना महामारी में बचाव हो सके। आयोजन के दौरान कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक नाटक का मंचन भी एक एनजीओ द्वारा किया गया। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी तो मगर हमेशा से ही रही है और इंदौर के नागरिकों ने जिम्मेदारी निभाई है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज अगर माता पिता कार में जाते हैं, बच्चा बैठा रहता है, माता पिता भी अगर कोई कचरा नीचे फेंकते हैं तो बच्चा टोक देता है। ये जागरूकता जो आज जनता में हुई है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से हुई है। नरेंद्र मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और इसका एग्जीक्यूशन माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन मध्य प्रदेश में हुआ है, इसलिए हमें उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, अब मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी तो नहीं है, मगर हम तो हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा के लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें, और यदि निकलते भी हैं तो पूरी जागरूकता के साथ निकलें, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा पूरा शहर पुनः अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, जिस प्रकार स्वच्छता के लिए जाना जाता है, स्वस्थ रहने के लिए भी पूरे देश में, विदेश में जाना जाता है। शहर ने चौका लगाया है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।